हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग इनॉल बेस्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल हैं यहाँ पर, एक का नाम है इनोलेट और दूसरे का नाम है इनॉल। हम आपको बता दें कि इनोलेट जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू इनॉल, लेकिन इनॉल भी न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि बिहेव करता है कब, जब कोई एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट हो। एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट, ठीक, इनॉल कब वर्क करता है, जब कोई एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट हो। और इनोलेट क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, ये हमेशा ही वर्क करेगा। अब देखिए, ये बात तो हो गई इनोलेट और इनॉल की, अब इसमें हमको इनॉल के रिएक्शंस देखने हैं। और जनरली क्या है कि इनोलेट जो है हमारा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, बट हमारा इनॉल जो है, लिख लीजिए इनोलेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इनॉल जो है हमारा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। या फिर आप इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें रिफ्लक्स कंडीशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कुछ चीजें दे रखी हैं। क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर सबसे पहले आपको बेस दे रखा है, बेस के बाद एक इलेक्ट्रोफाइल लगा रखा है, और सेकेंड स्टेज में एक एसिड दे रखा है जो कि कैटेलिटिक अमाउंट में है, और उसके साथ में आपको एक फिर इलेक्ट्रोफाइल या उस टाइप का कुछ दे रखा है। तो ये हमको देखना है। देखिए, सबसे पहले तो बेस दे रखा है, बेस का क्या काम होता है, बेस का कहीं पर भी जो फंक्शन है वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो पिरिडीन दे रखा है आपको, लगाइए फर्स्ट स्टेज में आप इस पे पिरिडीन लगा दीजिए, तो पिरिडीन एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर है। तो यह एक तो एसिडिक हाइड्रोजन इसका यहाँ पर भी है, लेकिन इससे भी अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन आपका ये वाला है, OH वाला। आप याद कीजिए, हम आपको बताए हुए थे कि जब कहीं हेटरो एटम पर कोई हाइड्रोजन हो तो वह सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद ही हम किसी दूसरे को चेक करते हैं। तो हमारे पास हेटरो एटम का हाइड्रोजन है जो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो कर दीजिए। पीएच और यहाँ ओ माइनस, ठीक। अब ये क्या करेगा, अब ये आपका ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। अब ये आगे अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल पे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपको दे रखा है।
ठीक है। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां से आएगा और इस पर अटैक करेगा और ये आयोडीन यहां से लिविंग ग्रुप के तरह बाहर हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, ये यहां पीएच लग गया, ठीक, और ये जो O माइनस था अब उसके साथ ये पूरा ग्रुप लग गया, ठीक है। और O M E, ठीक है। यहां पर ये एस्टर बॉन्ड बन गया है, तो सॉरी ईथर बॉन्ड बन गया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको PMB बोलते हैं, पैरामिथॉक्सी पैरामिथॉक्सी बेंजाइल, PMB। और जब ये O के साथ जुड़ जाएगा तो इसको OPMB बोलेंगे, तो हम इसका नाम आगे यूज करेंगे PMB, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल, और उसको OPMB लिख देंगे। अब देखिए सेकेंड स्टेज में आपको क्या दे रखा है, सेकेंड स्टेज में आपको एक एसिड दे रखा है जो कि कैटेलिटिक अमाउंट में है और उसके साथ में एक NBS नाम का कोई आप ये कहिए कि इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है, तो उसको हम लोग लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, लगा दीजिए पीएच ओ और इसको OPMB लिख दीजिए, पैरामिथॉक्सी पैरामिथॉक्सी बेंजाइल, ठीक, OPMB। अब देखो ये जो एसिड दे रखा है उसका करवा दो, इस पे लिखो TSOH, कितना अमाउंट में दिया है TSOH, ध्यान रखिएगा यहां पर इसमें आपको एसिड कैटेलिटिक अमाउंट में दिया हुआ है। तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम किसी भी जगह पर प्रोटोनेशन का होता है, तो ये प्रोटोनेट करेगा, किसको करेगा, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, तो कर दीजिए, देखिए पीएच और ओ एच ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये आपका प्रोटोनेट हो गया। अब इसका टॉटोमराइजेशन करवाइए, तो देखिए ये क्या होगा, यहां पर आपको दो अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब अगर ये अल्फा हाइड्रोजन इधर आ जाए और ये इधर आ जाए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा टॉटोमराइज होके, पीएच ओएच और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया ओ पी एम बी, ठीक। अब आगे क्या होगा, आगे फिर से ये वापस जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, देखिए पीएच
ये इधर आएगा और इसका जो वो है वो इधर आएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका OH नेगेटिव चार्ज, OPMB, ठीक। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। कहां पर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? ये है, देखिए ये NBS जो दे रखा है ये कुछ इस तरह से होता है। NBS का पूरा नाम होता है N ब्रोमोसक्सिनेमाइड। तो ये कुछ इस तरह से होता है, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड ऐसा होता है। और ये क्या करेगा नेगेटिव चार्ज? ये नेगेटिव चार्ज इधर से आके ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा। ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा? ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा। और ये बड़ा सा जो ग्रुप है ये यहां पर लिविंग ग्रुप के तरह बाहर होगा। याद कीजिए ये सेम रिएक्शन हम आपको दिए थे NIS करके, N-iodosuccinamide करके दिए हैं इनोलेट वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो वहां पर भी ये ऐसा ही होगा कि आयोडीन के ऊपर अटैक होगा और ये बड़ा सा नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप के तरह लीव करेगा। ध्यान रखिएगा इसको। तो आपका जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको लिख लीजिएगा NBS। ये ऐसा हो जाएगा pH और यहां पर O, ठीक है, और ये यहां पर Br, ठीक है। Br और यहां पर OPMB, ठीक ठीक है, ये यहां हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां से जो ये हाइड्रोजन था ये कहां चला गया? तो ये जो हाइड्रोजन था ये फिर से जो TSOH था ना, जहां से हमको एसिड से मिला था हाइड्रोजन TSOH, इसका हाइड्रोजन देने के बाद ये TSO- जो बचा था ये फिर TSO- यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ये ऐसा ही रह गया। और इसको हम एक नाम देते हैं, ये जो हम बनाए हैं इसको एक नाम देते हैं, इसको बोला जाता है अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कीटोन। क्या कहेंगे इसको? कीटोन के अल्फा पोजीशन में ब्रोमीन को लगाना, दिस इज कॉल्ड अल्फा ब्रोमिनेशन, अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कीटोन। देखिए एक बात बताइए आप, हम आपको क्या कहे थे? हम आपको कहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग इनॉल इंटरमीडिएट। तो जब हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग इनॉल इंटरमीडिएट, तो सिर्फ इनॉल वाला केस तो हमारे सेकेंड सिचुएशन में आ रहा है। फर्स्ट वाला हम क्यों करवा रहे हैं? हम फर्स्ट केस ले क्यों रहे हैं? तो ध्यान रखिए इस बात को, करवाना तो हमको यही है लेकिन हमको जो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है कंपाउंड में या सबस्ट्रेट में वो इस तरह का दे रखा है कि अगर हम फर्स्ट वाला ना लें तो हमारा रिएक्शन सेकेंड वाला जो है वो जिस जगह पर हमको करवाना है वहां ना होकर दूसरे जगह पे हो जाएगा। और इसलिए हम पहले तो बेस लेते हैं और उसके बाद फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं जिससे कि हम अल्कोहल वाले के ऊपर पहले रिएक्शन करवा के उसको प्रोटेक्ट कर सकें
और उसके बाद हम अपना कीटोन वाले के ऊपर एसिड डाल के वहां पर फर्दर रिएक्शन करवा सकें। और इसको, इस स्ट्रेटेजी को, वैसी स्ट्रेटेजी जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में कंपटीशन होने की संभावना हो और उस कंपटीशन को रोकने के लिए हम एक फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्शन करवा के प्रोटेक्ट कर दें, जिसको कि हम रिएक्शन के लास्ट में फिर से डिप्रोटेक्ट कर सकें, इसको हम प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी बोलते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस केस में हम यही कर रहे हैं कि यहां पर हम पहले पिरिडीन लेकर इसका हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं और यहां पर जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बना इसको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करवा के ओपीएमबी बना दे रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि ओपीएमबी जब हम ईथर बॉन्ड बना रहे होते हैं तो ईथर बॉन्ड बहुत स्टेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ईथर बॉन्ड तभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जबकि कोई एसिड दिया हुआ हो और बहुत ही स्पेसिफिक एसिड होता है, वो हर केस में पार्टिसिपेशन अपना नहीं दिखाता है। इसलिए हम यहां पर इसको ईथर बॉन्ड बना के अल्कोहल का प्रोटेक्शन करवाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ओपीएमबी इज द प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या हो रहा है? ओपीएमबी इज द प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल। अब ये अल्कोहल यहां पर प्रोटेक्ट हो गया, अब हम अपना रिएक्शन आराम से कीटोन के ऊपर करवा सकते हैं और इसलिए अब हम एसिड लेंगे और वो एसिड अपना प्रोटोनेशन करेगा कीटोन के ऑक्सीजन के ऊपर और फर्दर टॉटोमेराइज होके ये अपना कार्बन न्यूक्लियोफाइल बना लेगा और ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल आकर फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और यहां से लिविंग ग्रुप बाहर होके आपका अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कीटोन हो जाएगा जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि इनोल देता है। याद रखिएगा इनोल जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, कंडेंसेशन टाइप के रिएक्शंस देता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, जैसे कि आपका अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कीटोन। समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये एक रिएक्शन दे रखा है आपको और इसको सॉल्व भी करेंगे हम लोग और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे भी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इस तरह का सब्सट्रेट दे रखा हो आपको जिसमें कि कोई कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ हो और उसके बगल में ये एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई दे रखा हो, उसके साथ में रिएजेंट में कोई एसिड दे रखा हो और उसके बाद में कोई ब्रोमीन लगा रखा है, यहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल दे सकता है, ठीक। तो उस स्थिति में उसका प्रोडक्ट ये बनता है और इसको हम लोग कहते हैं अल्फा ब्रोमिनेशन, अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ इनोल। क्या बोलते हैं? अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ इनोल। और अगर इसी में आपको NaOH दे रखा हो, मतलब कि फर्स्ट केस में तो एसिड दे रखा हो और सेकेंड केस में आपको क्या दे रखा हो? बेस दे रखा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्विंग इनोलेट इंटरमीडिएट। ध्यान रखिएगा, इसमें इनोल इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें इनोलेट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या ऐसा हो सकता है इस वाले केस में एक बीआर जब लग रहा है, अगर मान लो हम बीआर को एक्सेस में ले लें,
क्या करें, यहां जो ये br है इसको एक्सेस कर दें और इसके साथ में एसिड ले लें, मान लो H2SO4 ले लेते हैं। तो मतलब यही अल्फा ब्रोमिनेशन हम करना चाह रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, तीन BR लगा सकते हैं यहां, और यहां PH, ठीक, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम क्या? तो हम बता दें आपको, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब हम इस दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो उसी में ये रीजन आ जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब दूसरी बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि ये जो एसिड कैटेलाइज्ड आप पढ़ेंगे, ब्रोमिनेशन या फिर जिसमें इनॉल इन्वॉल्व हो, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं HVZ टाइप रिएक्शन। क्या कहते हैं? HVZ टाइप रिएक्शन। अब आप हमसे पूछिएगा, सर HVZ टाइप क्यों लिखे? HVZ टाइप इसलिए लिखे क्योंकि HVZ रिएक्शन में यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, लेकिन यहां कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम इसको HVZ ना लिख करके HVZ टाइप लिख रहे हैं। अब दूसरे पे आइए, दूसरा जो आपका है ये आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन है। याद कीजिए, हेलो फॉर्म का सबस्ट्रेट यही लेते हैं और सेम यही चीज करते हैं। तो ये हमारा क्या है? हेलो फॉर्म रिएक्शन। इसको आप 10+2 से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे क्या है। अब हम देखेंगे कि ये जो हम करवा रहे हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा क्यों नहीं होगा? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें ये वाला रिएक्शन क्यों नहीं होगा, और ये दोनों रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, इसको आप नोट कर लीजिए और एक एक करके हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस पे हमारा जो सबस्ट्रेट है, इस पे हम TSOH लगाते हैं, TSOH क्या करेगा? एसिड है, प्रोटोनेशन करेगा। क्या करेगा? प्रोटोनेशन करेगा। कहां करेगा? इस जगह पर करेगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये CH2H हो जाएगा। अब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, pH लगा लीजिएगा यहां पर अगर हम भूल जाएं तो, ये OH और CH2, ठीक है। अब क्या होगा? अब फिर से ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा और इससे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यहां पर CH2 है,
नेगेटिव चार्ज, ये अटैक कर देगा आपका Br2 पे, ये इधर अटैक करेगा और ये CH2Br बन जाएगा। ये आपका ऐसे, ये आपका CH2, Br बन गया, ठीक। और यहां ये pH लग जाएगा, ठीक है, ये आपका बन गया। अब देखो इसको नोट कर लीजिए और दूसरा वाला देखिए, सेकेंड वाले में क्या है, NaOH ले रखा है, क्या ले रखा है, NaOH ले रखा है। NaOH का देखिए ये कैसे करता है, यहां करवा देते हैं, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, इसको भी रब कर दो। अब देखो दूसरा वाला जो है लगा लो, CH2H, ठीक है, ये pH, इस पे सबसे पहले क्या लगाओ, दे रखा है आपको NaOH, NaOH क्या करेगा, बेस है एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो यहां से हाइड्रोजन हटा दीजिए, आपका ये बन जाएगा CH2- और ये ऐसे आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, CH2 और O-, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब फिर से ये इधर रिटर्न होगा और ये इधर आ जाएगा, तो इससे ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, CH2 नेगेटिव चार्ज और O ये हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है CH2 के ऊपर, ये आगे अटैक कर देगा कहां पे, Br के ऊपर, इसमें भी Br है, ये इधर अटैक करेगा और ये इधर बाहर हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, CH2Br और pH। अब देखिए दोनों ही केस में ये जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बना है सेम बना है, देख पा रहे हैं आप लोग, दोनों स्टेज में फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट सेम बना है, लेकिन अब इस दोनों में हम सेकेंड स्टेप करवाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करवाएंगे, अब हम फिर से इसके ऊपर Br लगाएंगे, तो अब हमको यह चेक करना है कि अब जब हम इसके ऊपर Br लगाएंगे और इसके ऊपर Br लगाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए पहले हम इसके ऊपर फिर से Br लगा के आपको दिखाते हैं। मान लो कि इसको हम फिर से, इसका हम फिर से इनोल बनाना चाह रहे हैं, तो फिर से क्या लेंगे, बेस लेंगे, क्या दे रखा है, TSOH दे रखा है, तो ये TSOH आप फिर से अगर यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा ये, यहां फिर इसको प्रोटोनेट कर देगा
और जैसे ही ये इसको प्रोटोनेट करेगा, देखो क्या होगा यहां पे, CH2Br, और ये जो है यहां पर ये प्रोटोनेट हो जाएगा। अब एक बात बताइए आप, ये जो Br यहां पे आ रहा है, ये Br अपना इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर लेकर भी तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी भी तो लेकर आ रहा है, और अगर ये Br यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या ये हाइड्रोजन यहां पे जुड़ पाएगा? इस ये हाइड्रोजन उतना ही इजिली से जुड़ पाएगा जितना इजिली पहला हाइड्रोजन जुड़ा था? नहीं जुड़ पाएगा। इसके यहां से जुड़ने की टेंडेंसी को ये Br कम कर देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये और इसको इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट बना रहा है, और जितना इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट बनाएगा Br इलेक्ट्रॉन को खींच के, उतना ही ज्यादा ये वाला जो हाइड्रोजन है, एक्चुअली ये हाइड्रोजन जो यहां वाला जो हाइड्रोजन है, इसके इनोलाइज होने की टेंडेंसी, इसके टॉटोमेराइज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और जैसे ही इसके टॉटोमेराइज होने की टेंडेंसी कम होगी, ये यहां जुड़ेगा ही नहीं और इनोल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और चूंकि इनोल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, इस Br के जुड़ने से इस CH2 का जो हाइड्रोजन है ये और ज्यादा एसिडिक हो जा रहा है, जिसको कि एसिडिक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी एसिड ले रहे हैं, तो इसलिए इसकी इनोलाइज होने की टेंडेंसी कम होने की वजह से इस हाइड्रोजन के जुड़ने की टेंडेंसी घट गई, और चूंकि इसके जुड़ने की टेंडेंसी घट गई यहां पर, इसलिए इसका इनोल बनना कम हो गया, और चूंकि ये इनोल ही नहीं बनेगा तो रिएक्शन कहां से होगा, तो इसलिए यहां पर ये रिएक्शन आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और यहां पर जो दूसरा ब्रोमीन है, इसके जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है, यही रीजन था वहां पर कि वहां तीन ब्रोमीन नहीं लग सकता था, एक ही ब्रोमीन लग सकता था। लेकिन इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, इस वाले केस में इस ब्रोमीन के जुड़ने से ये जो हाइड्रोजन एसिडिक हुआ, इस हाइड्रोजन के एसिडिक होने की वजह से अब जब हम लेंगे बेस, तो ये हाइड्रोजन और इजली निकलेगा, और जितना इजली ये हाइड्रोजन निकलेगा उतना ही जल्दी इनोलेट बनेगा, तो यहां पर ब्रोमीन के जुड़ने से इनोलेट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जबकि यहां पर ब्रोमीन के जुड़ने से इनोल बनने की टेंडेंसी घट जाती है, इसलिए यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड या मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट ही बन पाता है, जबकि यहां पर ट्राई ब्रोमिनेटेड भी हम बना पाते हैं, देख रहे हैं CHBr3 भी बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनोल बनने का रेट फर्स्ट स्टेप के बाद यहां पर रेट कम हो जाता है, और फर्स्ट स्टेप के बाद इस जगह पर रेट बढ़ जाता है, और अगर फर्स्ट स्टेप के बाद रेट बढ़ जाए तो वो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है और अपने आप रिएक्शन प्रोसीड होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखिए इसमें करवाइए, इसमें आगे लगाइए, आप क्या लगाएंगे, NaOH लगाएंगे, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, सेम चीज, इतना हम करेंगे नहीं, अब आप देख लीजिएगा pH और CH नेगेटिव चार्ज, Br ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, फिर से ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, और ये देख लीजिए, हम दो एरो लगा देते हैं और आप समझ जाइएगा कि यहां पर ये ब्रोमिनेशन हो गया है। ठीक, तो ये O और CBr3। ठीक, ये आपका हो गया यहां पर pH। अब क्या हुआ, ये तो फाइनली बन गया, अब यहां पर फिर से NaOH का अटैक होगा, NaOH
OH, OH आपका न्यूक्लियोफिलिक बेस है तो ये अटैक करेगा OH यहां पर और ये इधर से बाहर निकल जाएगा तो आपका ऐसा हो जाएगा। OH और PH ठीक है। इसके साथ में CBr3 ठीक माइनस। अब क्या होगा यहां पर, ये जो है आपका ये एक्चुअली आगे इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप, ये आगे रिएक्शन में कुछ इस तरह से जाएगा कि ये जो OH है ना ये CBr3 बेस के तरह रिएक्ट करेगा और ये यहां पर इसके H को लेकर एसिड बेस रिएक्शन दे देगा और कुछ ऐसा बना लेगा, ये CHBr3 और इसके साथ में ये O-Na+ ठीक है। और अब क्या होगा आगे, ये जो ONA है अब ये फिर से आगे रिएक्शन में जाएगा और लास्ट प्रोसेस में आपको सेकेंड स्टेप में H3O+ दे रखा है, H3O+ अगर रिएक्शन में कहीं पर नेगेटिव चार्ज लास्ट में या कोई भी चीज बच जाए और कुछ भी ना दिया हुआ हो तो एक H3O या फिर वाटर भी हो सकता है यहां पर, या फिर आप एसिडिक वाटर भी ले सकते हैं और उसको लेकर लास्ट में हम उसको सारे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हम अपना रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो H3O है ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा लास्ट में और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, इस स्टेप को ध्यान रखिएगा, देख लीजिए फिर से कि हम क्या किए हैं। इसमें हम लोग इस जगह पर क्या किए कि यहां पर जो ये NaOH अटैक किया यहां पर वो इसको बाहर किया और जब ये बाहर हुआ CBr3 तो CBr3 यहां पर लगने वाले OH के H के साथ सेल्फ रिएक्शन कर लिया बाहर, यहां पर ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, ये यहां रुकता ही नहीं है, ये सीधा यहीं पर आकर रुकता है। तो ये दोनों रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन कर लिया, यहां लिख भी लीजिए आप लोग, ये जो हुआ है यहां एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन ठीक, ये एसिड बेस रिएक्शन कर लिया और एसिड बेस रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन कर लिया और अब लास्ट में जब कुछ नहीं बचा रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए तब क्या किए हम, तब लास्ट में चार्ज तो इसके ऊपर ऑक्सीजन पे बचा रह गया नेगेटिव चार्ज, तो इसको डिमिनिश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम लोग आगे अज्यूम कर लेते हैं कि वाटर होगा या फिर H3O+ के रूप में आपको दे रखेगा। अगर ना भी दिया हो तो आप ये मान लीजिए कि वाटर दिया हुआ है और रिएक्शन को कंप्लीट करवा दीजिए, समझ रहे हैं मेरी बात, यह बात सेल्फ अंडरस्टूड है। आप कहीं यह मत सोचने लगिएगा कि H3O दिया हुआ है तो यह भी कोई रिएक्शन करवाएगा, नहीं वो कोई रिएक्शन नहीं करवाएगा, उसका काम सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन का है जो कि वो यहां पर भी कर रहा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, दोनों रिएक्शन हो गया आपका, HBZ टाइप का भी हो गया, हेलो फॉर्म भी हो गया
बस आप इसमें इसमें जो स्केलिंग करने लायक बात थी वो ये है कि आपका जो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है उस वाले रिएक्शन में आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी एक बार ब्रोमिनेशन होने के बाद, क्योंकि उस वाले में जो एसिडिक नेचर है या इनोलाइजेशन होने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है, और इनोल बनने का चूंकि टेंडेंसी कम हो गया इसलिए रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, लेकिन इनोलेट बनने की टेंडेंसी बेस वाले में बढ़ जाती है इसलिए वो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। तो कोई आदमी हमको इस वाले रिएक्शन में ये कह सकता है कि सर हमारा प्रोडक्ट तो यहीं पर बन गया तो हमको इससे इसको बनाने की जरूरत क्या थी। भाई हम नहीं बना रहे हैं इसको, ये रिएक्शन में खुद ही बन रहा है, ये बनेगा, यहां रिएक्शन रुकेगा ही नहीं। जैसे ही ये दोनों चीज होगी तो एसिड बेस रिएक्शन, और इतना फास्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस कि ये खुद ही हो जाएगा और इसके बाद ये H3O के साथ वर्कअप करके ये फॉर्मेशन कर लेगा। तो नोट कर लीजिए इसको।